नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ले बेटा, बेटा बस मेरी यही तमन्ना है कि तुम खूब तरक्की करो। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू माँ। हाय मेरा प्यारा बच्चा। बेटा सब कुछ तो है इस घर में बस, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता इस घर में। क्यों माँ, सब कुछ तो है तेरे पास, अब मैं तेरे लिए और क्या करूँ? क्या चाहते हो आप? बेटा तो समझदार है, अच्छा खासा दिखता है, तुझे समझनी चाहिए माँ की बातें, समझा करना। क्या माँ? सर मैडम आपकी शादी की बात कर रही है? हाँ एग्जैक्टली। देखो विलाल समझ गया और तू अपनी माँ का बचाव करके नहीं समझ रहा है। हाँ बेटा मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ, ये देख। मैंने तेरी प्रोफाइल मैट्रिमोनियल में दे रखी है, मुझे ये तीनों लड़कियां बेहद पसंद है। अब बेटा तेरी चॉइस, तू जो पसंद करेगा मैं उसे बहू मान लूंगी। देख तीनों के तीनों अच्छी हैं। ठीक है माँ, अब जैसा आप कहें। नहीं बेटा शादी तुझे करनी है, तेरी पसंद मेरी पसंद। देख मैडम तीनों बहुत खूबसूरत है, बस चले तो मैं तीनों से शादी कर लूं। बिलाल यहाँ मेरे बेटे की बात चल रही है। मेरा बेटा अब तू जल्दी से पसंद कर ले, मैं उसे बहू मान लूंगी। जी माँ। मेरा अच्छा बेटा। मिस माही प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। विल यू हैव अ ड्रिंक? ओह थैंक यू। यू आर वेलकम। वैसे आपको एक बात बोलूं? बोलिए ना। जितनी खूबसूरत आप पिक्चर्स में लगती है ना उतनी है नहीं। मतलब? अरे मेरा मतलब था कि आप तो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। वैसे लड़कियों को पटाने का अच्छा स्टाइल है आपका। मिस माही वो क्या है ना, मुझे लड़कियों को पटाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो क्या है ना, मैं हूँ इतना हैंडसम। वैसे इतना घमंड अच्छा नहीं है मिस्टर राहुल। लगता है आपको मेरी बात हर्ट कर गई, इसीलिए कहते हैं किसी के बारे में ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए। वैसे एक बात बोलूं मिस्टर राहुल? हाँ बोलो। हम दोनों की सोच काफी मिलती है, हमारी खूब जमेगी। जोड़ी जमेगी या नहीं ये तो ऊपर वाला ही तय करेगा ना। अरे ये सब तो पुराने जमाने हुआ करती थी, जब जोड़ी जमेगी या नहीं वो सब घर के बड़े या पंडित डिसाइड करते थे, लेकिन आजकल
आजकल तो हम लोग ऑनलाइन चैटिंग्स और मैट्रिमोनियल साइट्स पे डिसाइड कर लेते हैं। वैसे वैसे मैं तुम्हें पसंद करूं, इसकी मुझे एक वजह तो बताओ। तुम मुझे पसंद करो, लेकिन इससे पहले ये तो जान लो कि मैंने तुम्हें पसंद किया भी या नहीं। Come on, मुझे तुम ना पसंद करो, इसकी कोई वजह हो ही नहीं सकती। I mean, मैं हूँ इतना हैंडसम। रिजेक्ट करने की वजह तो मुझ में भी नहीं है, आखिर मैं हूँ ही ऐसी चीज। तुम चीज नहीं, क्या कमाल की चीज हो। हाँ, मैं हूँ ही कमाल की चीज। वो तो तुम हो ही, लेकिन मेरे लिए तो अभी बच्ची ही हो। सिर्फ बच्ची ही नहीं, कच्ची भी हूँ। कच्ची मतलब क्या तुम वर्जिन हो? यस। वैसे तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल? हाँ, तुम इतनी यंग हो, ब्यूटीफुल हो, तुम्हें तो कोई भी लड़का आसानी से मिल सकता है, फिर ये अरेंज मैरिज क्यों? राहुल, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। जब मेरी दीदी 6th स्टैंडर्ड में थी ना, तो उसे एक लड़के से प्यार हो गया था। अच्छा। उन दोनों का अफेयर 10 साल तक चला। उसके बाद उस लड़के ने किसी और लड़के से शादी कर ली और दीदी ने सुसाइड कर लिया। पापा तो वैसे ही हमें छोड़कर चल चुके थे। मम्मी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। बस तब से मैंने सोच लिया, अगर मैं जब भी शादी करूंगी तो अरेंज मैरिज ही करूंगी। I'm sorry, baby. हेलो हेलो गर्ल्स, हेलो हेलो गर्ल्स, अरे गर्ल्स, हेलो हेलो महेश, कहाँ हो तुम लोग? तुम तीनों के फोन इतने बिजी हैं, क्यों धंधे में नहीं जाना है क्या? नहीं महेश, अब हमने ये सोच लिया है कि हम ये धंधा वंदा नहीं करेंगे। जो तुमने मैट्रिमोनियल में हमारा प्रोफाइल डाला था ना, मुझे एक लड़का मिल गया है। वाओ, दैट्स अ वेरी ग्रेट न्यूज़ यार। मुझे भी एक लड़का मिल गया है, करोड़पति लड़का। वाओ, दैट्स अ वेरी वेरी ग्रेट न्यूज़ यार। और तुम्हें? मुझे ना बिजनेसमैन ना करोड़पति, मुझे एक्चुअली अरबपति लड़का मिल गया। अरे वाओ यार, इतनी बड़ी न्यूज़। तुम लोगों मेरी वजह से बिजनेसमैन, करोड़पति, अरबपति लड़के मिले और तुम लोगों ने मेरे को ही नहीं बताया। That's very bad यार, very very bad यार। अरे अपने होने वाले पति की फोटो तो दिखाओ यार, I'm so excited। अरे show me। देखो। Wow, that's hot यार। Nice ना? क्यों होश उड़ गए ना? क्या हुआ महेश? क्या हुआ? अच्छा है ना? क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? अपने होने वाले पति की फोटो एक दूसरे को दिखाओ देते तुम लोग। क्या हुआ? देखो, तुम दोनों कान खोल के सुन लो, राहुल सिर्फ मेरा है, किसी का नहीं है, ओके? तू बड़ी, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मनमानी करेगी। राहुल सिर्फ मेरा है, और सिर्फ मेरा। ए सुन, राहुल ना तेरा ना तेरा। अरे रहने दे। सिर्फ मेरा है। राहुल सिर्फ मेरा है। राहुल सिर्फ मेरा है। राहुल सिर्फ मेरा है। राहुल 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 मेरा है। अरे तुम लोग आपस में बेस्ट फ्रेंड हो, समझे ना? ऐसे आपस में झगड़ा करने से क्या फायदा? अरे पहले ये तो पता करो, राहुल किसको पसंद करता है, किससे शादी करना चाहता है, या तुमसे शादी करना चाहता है या नहीं चाहता है, या सिर्फ तुमसे टाइम पास करना है। ऐसे आपस में झगड़ा करने से तुम्हें राहुल मिल नहीं जाएगा, समझी ना? प्लीज डोंट फाइट, प्लीज। भगवान बचाइए लड़कियों से, शादी कराने चले थे महेश बाबू। हे भगवान। राहुल तो सिर्फ मेरा है,
हाँ, वो मेरा ही तो है, राहुल सिर्फ मेरा है, राहुल सिर्फ मेरा है, राहुल सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा है राहुल, किसी का भी नहीं हो सकता राहुल। माही और गरिमा तुम दोनों चाहकर भी मुझे राहुल से अलग नहीं कर सकती, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, सिर्फ मुझसे, राहुल मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा है, बस, किसी का नहीं हो सकता वो, अगर वो मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं हो सकता। अरे बेटा, हम अपनी बहू को बहू नहीं बेटी समझते हैं, बैठ जाओ। अच्छा बेटा, तुम्हारे क्या शौक हैं और क्या क्या जानती हो? मुझे ना शॉपिंग करने का बड़ा शौक है, थोड़ा बहुत खाना बनाना भी जानती हूँ, ज्यादा नहीं लेकिन बना लेती हूँ। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बेटा जी, घर में तुम्हारे अलावा और फैमिली में कौन कौन है? आंटी मेरी एक्चुअली कोई फैमिली नहीं है, कुछ साल पहले पापा की डेथ हो गई थी तो मैं मम्मा के साथ रहती थी, और उसके कुछ साल बाद मम्मा की भी डेथ हो गई, मेरा और कोई नहीं था इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। आई एम सॉरी बेटा, मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो? हम लोग हैं ना तुम्हारी फैमिली, और इस दुनिया में अपने आप को अकेला कभी मत समझना। जी बहुत प्यारी बच्ची है। बेटा मैं जानती हूँ तुम राहुल से बहुत प्यार करती हो, लेकिन राहुल ने अगर तुम्हें चाटा मार दिया तब तुम क्या करोगी? आंटी जी, सबसे पहले तो मैं यही सोचूंगी कि राहुल ने मुझे क्यों मारा, मेरी कोई गलती होगी तभी तो वो मुझे मारेगा, ऐसे वो मुझे क्यों मारेगा? हाँ बेटा, लेकिन उसने फिर भी तुम्हें एक चाटा मार दिया तब तुम क्या करोगी? तब मैं यही सोचूंगी कि मैं उस टाइम राहुल से कोई भी बात ना करूं, क्योंकि इससे हमारा झगड़ा होगा। मैं कुछ टाइम वेट करूंगी कि राहुल को अपनी गलती का एहसास होता है या नहीं। लेकिन बेटा अगर उसे फिर भी एहसास ना हुआ तो? आंटी जी, अगर राहुल को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ तो मैं कुछ समय के लिए उसे बात ही नहीं करूंगी। मुझे इतना तो यकीन है कि आपने राहुल को इतने अच्छे संस्कार तो दिए ही होंगे कि उसे अपनी गलती का एहसास जल्द ही हो जाएगा। हाँ ये तो तुम सही कह रही हो, बहुत समझदार लगती हो। राहुल, राहुल। हाँ जी माँ। भाई तुम कहाँ खो गए? कहीं नहीं माँ, बस यूं ही। राहुल मुझे तीनों की तीनों लड़कियां बहुत पसंद आईं, बस अब तुम्हें चॉइस करना है कि मेरी बहू बना करके किसे लाओगे। पर माँ आप मुझे ऐसे कंफ्यूजन मत छोड़ प्लीज। अरे भाई जिंदगी तुम्हें बितानी है तो चॉइस तो तुम्हारी होगी ना। हाँ जो बहू लेकर के तुम आओगे उसे मैं स्वीकार कर लूंगी। पर माँ। बलाल। जी बॉस। तुम्हारी क्या राय इन तीनों लड़कियों के बारे में? तीनों बहुत खूबसूरत हैं बॉस, आप चाहो तो तीनों से शादी कर सकते हो। बॉस आपके कोरियर में एक पेन ड्राइव आया है, लीजिए। We'll be right back.
हाय माय बेबी। हाय स्वीटहार्ट। वो क्या है ना, मैं आज तुमसे मिलना चाहता हूँ। ओह रियली? ओह गॉड, ओके। ओह माय